नमस्कार, मैं खुर्शीद खान राजू और आप देख रहे हैं न्यूज टाइम नेशन। अब वक्त हो चला अपराध जगत की कुछ बड़ी खबरों का। सुल्तानपुर के धनपतगंज ब्लॉक के चंदौर ग्राम सभा में आवास लाभार्थियों की मजदूरी का पैसा ग्राम सचिव प्रधान ने मिलकर हड़प लिया, जिसकी शिकायत लाभार्थियों ने शपथ पत्र के माध्यम से जिलाधिकारी कृतिका जोशना से की है। अमेठी में इनौना थाना क्षेत्र के इस्लामगंज बाजार में दो पक्षों के बीच सड़क पर जमकर लाठियां चलती नजर आई, पुलिस बीच बचाव करने की जगह वीडियो बनाती हुई नजर आई। अलीगढ़ की विशेष अदालत पास्को एक्ट ने नाबालिग बच्ची से दुष्कर्म करने के आरोपी मंदिर के पुजारी को 20 वर्ष की सश्रम कारावास और 50,000 रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई। बाराबंकी के देवा में चल रहे ऐतिहासिक मेले में ड्यूटी पर तैनात सिपाही नशे में धुत नजर आए, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। सिपाही पुष्पेंद्र सिंह जनता को संभालने के बजाय खुद ही जनता के सहारे चल रहा है। जौनपुर के सागन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में तैनात डॉक्टर आकांक्षा सिंह पर मृतक के पति रमाकांत यादव ने आरोप लगाते हुए कहा कि लापरवाही से गलत इंजेक्शन लगाने की वजह से मेरी पत्नी सुष्मिता यादव की मौत हो गई। रमाकांत यादव ने सागन कोतवाली में तहरीर देकर न्याय की गुहार लगाई है। हमीरपुर के मौधा कस्बे के मराठीपुरा मोहल्ले में खाना बनाते समय घरेलू सिलेंडर लीक हो गया, जिससे एक मासूम बच्ची समेत चार लोग बुरी तरीके से झुलस गए। सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जालौन पुलिस ने हत्या की घटना का खुलासा करते हुए अभियुक्त कृष्णपाल सिंह उर्फ छोटे साहब को गिरफ्तार करते हुए न्यायालय के सामने पेश किया है। जालौन मंडला आयुक्त विमल कुमार दुबे ने जिलाधिकारी राजेश कुमार पांडे के साथ टाउन हॉल की लाइब्रेरी, टाउन हॉल के पीछे बन रहे पार्क और राजकीय मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण कर जिम्मेदारों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। जालौन जिलाधिकारी राजेश कुमार पांडे और पुलिस अधीक्षक डॉक्टर दुर्गेश कुमार ने वन स्टाफ सेंटर सखी का संयुक्त रूप से निरीक्षण कर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। बरेली के थाना शाही के गांव जुन्हाई में रामलीला के दौरान पड़ोस के गांव के मनबड़ और दबंग युवकों ने रवि सिंह की लाठी डंडों से पिटाई करने के बाद हत्या कर दी। गांव में बढ़ रहे तनाव को देखते हुए भारी पुलिस फोर्स गांव में तैनात कर दिया गया है। लखीमपुर खीरी के बिजुआ बस्तौली हाईवे पर विशालकाय अजगर का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा। अजगर को देखकर राहगीरों में हड़कंप मच गया। सूचना पर पहुंची वन विभाग की टीम ने अजगर को रेस्क्यू कर अपने साथ ले गई। आपको हमारी खबरें कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इन खबरों को आप यूट्यूब पर देख रहे हैं, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक के जरिए हमसे जुड़े तो पेज को लाइक करके फॉलो करना बिल्कुल न भूलें। नमस्कार। सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल न्यूज टाइम नेशन और हर खबर सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। और हाँ, खबरें पसंद आ जाएं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।